हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी की श्रृंखला में ही आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कला के क्षेत्र में 2-3 सालों में इधर काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं वो सब आप लोगों के लिए लेकर के आई हैं, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक आधे प्रश्न भी आपको अगर मिल जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। आइए देखते हैं वो कौन से करंट अफेयर्स हैं। देखिए, कला के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स, ये जो पहला है, देखिए 24 मई 2019 को नल्ली मलानी को आप सभी जानते हैं, नल्ली मलानी को जान मीरो पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार पाने वाली वे पहली भारतीय कलाकार है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जान मीरो पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कलाकार नल्ली मलानी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2021 में इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार साहित्यकार प्रभु जोशी का निधन हो गया। इनके बारे में कभी ऑप्शन में देखे ऐसे पूछ सकता है कि प्रभु जोशी कौन थे, तो वो एक प्रसिद्ध चित्रकार और साहित्यकार थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 6 जनवरी 2020 को मुंबई के कलाकार अकबर पद्मसी का निधन हो गया। अगला पॉइंट देखिए, 25 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध कलाकार मूर्तिकार शेर सिंह कुक्कल का निधन हो गया। ये एक मूर्तिकार थे, शेर सिंह कुक्कल। अगला पॉइंट देखते हैं, 8 फरवरी 2021 को राज्य ललित कला अकादमी ने अपना 59वां स्थापना वर्ष मनाया। अगला पॉइंट देखिए, वर्तमान में राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष जो हैं वो सीताराम कश्यप हैं और उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकार मूर्तिकार वास्तुकार ग्राफिक डिजाइनर सतीश गुजराल की जो मृत्यु हुई थी वो 26 मार्च 2020 को हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, मार्च 2020 में भगोड़े नीरव मोदी के घर से एमएफ हुसैन गायतोंडे अमृता शेरगिल तथा मंजीत बाबा की पेंटिंग को जब्त किया गया। नीरव मोदी के पास से इनकी सब पेंटिंगें पाई गई, जबकि आप सबको पता है कि इन लोगों की पेंटिंग कितनी ज्यादा महंगी होती है। अगला पॉइंट देखिए, 28 मार्च 2020 को वान गॉग द्वारा बनाई गई पेंटिंग स्प्रिंग गार्डन की चोरी हुई नीदरलैंड के डच संग्रहालय से, और वो कौन सा संग्रहालय था, वो सिंगर लैंगर म्यूजियम संग्रहालय से ये पेंटिंग इनकी चोरी हो गई थी। अगला पॉइंट देखिए, ये उस समय कोविड का समय था, उसी समय ये पेंटिंग चोरी हुई थी। सेरेमिक कलाकार ज्योत्ना भट्ट का निधन 11 जुलाई 2020 को हुआ। ज्योत्ना भट्ट जो है वो ज्योति भट्ट की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने अपना 68वां स्थापना दिवस 5 अगस्त 2022 को मनाया। अगला पॉइंट देखिए, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन अक्टूबर 2020 में हो गया। आपको ये ऑप्शन देखिए पूछ सकता है कि शोभा नायडू कौन थी। अगला पॉइंट देखिए, भारत के महान कार्टूनिस्ट केसी शिवशंकरन की मृत्यु सितंबर 2020 को हुई। इन्होंने मैगजीन चंदा मामा के लिए आकर्षक कार्टून बनाया था और इन्होंने विक्रम बेताल सीरीज के चित्र भी बनाए। इन्हें बंगाल का मैसूर भी कहा गया और इन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। अगला पॉइंट देखिए, मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति का निधन 2020 को हुआ। इन्हें क्लोनिंग का महारथी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, चित्रकार अर्पिता सिंह और परमजीत सिंह की पुत्री अंजुम सिंह का निधन 2020 में हुआ और ये कैंसर से पीड़ित थी। अगला पॉइंट देखिए, बीएचयू की डॉक्टर कनुप्रिया को कला के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट देखिए, जानी मानी पत्रकार लेखक कला समीक्षक डॉक्टर अलका रघुवंशी, जो भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी, इनका निधन 2021 में हुआ। देखिए, भारत में ऐसे तो बहुत सारे कला क्यूरेटर हुए हैं, लेकिन ये पहली ट्रेंड कला क्यूरेटर थी, यानी प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी। अगला और अंतिम पॉइंट हमारा ये है कि हाल ही में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं को सिंधु घाटी सभ्यता से डेयरी उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। यह प्रमाण गुजरात के कोटदा भदली से पाया गया है, यानी उस समय डेयरी उत्पादन भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, और ये जो प्रमाण मिला कहाँ से मिला है, गुजरात के कोटदा भदली से पाया गया है। तो ये जो हमारी वीडियो है आपके लिए काफी प्लस पॉइंट काफी हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको अगली वीडियो भी मिलेगी, जिसमें आपके सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।